जहां एक तरफ अपने 100 साल के इतिहास में पहली बार रूस के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है और वो दिवालिया घोषित हो रहा है। क्या रूस को कोई बचा सकता है? चीन और भारत में से कौन? तो वहीं दूसरी तरफ चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के खुलासे ने दुनिया को हैरान कर दिया है। यह अच्छे के लिए नहीं बल्कि चीन की कमियां निकल कर सामने आ गई है, अपने ही पैर पर जैसे कि कुल्हा धाड़ी मार लिया हो। जानेंगे चाइना नेवी पर भारतीय नेवी ने जोरदार असर क्यों दिखा दिया है और भारतीय नौसेना के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है चीन। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस जब भी किसी देश के साथ व्यापार करता है तो व्यापार की सारी नीतियों का पालन करता है। रूस कभी भी ऐसा नहीं करता है जिससे कि भविष्य में रूस की साख पर प्रश्न उठे। अब तक रूस की पद्धति ऐसी ही रही है, रूस अगर कर्जे लेता है तो उन कर्जों को सही समय पर अदा भी करता है। वैसे दुनिया के सारे देश हैं जो कर्ज लेते हैं, व्यापार चलाते हैं, फिर कर्ज को लौटाते हैं। भारत भी उनमें से एक है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अचानक से गिरने लगा था, कई हफ्तों तक गिरा था, उसके बाद फिर से उछाल आनी शुरू हुई। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 10 सालों में जो भारत ने कर्ज लिया था उन कर्ज को चुकाने का वक्त आ गया है और इस साल इस तरह की गिरावट बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आपको बढ़ोतरी इस साल बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि इस साल कई ऐसे देश हैं जिनको अपना पेमेंट करना है, उसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है। इसलिए हमने आपको पहले भी बताया कि 2.3 बिलियन डॉलर चीन ने पाकिस्तान को दे दिए भी तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसी साल उसे 41 बिलियन डॉलर चुकाने हैं। और ऐसा ही रूस के साथ भी है, रूस को भी अपने कर्जे का एक बड़ा हिस्सा चुकाना है, लेकिन अपने कर्जे का बड़ा हिस्सा रूस नहीं चुका पा रहा है। अब रूस के सामने ये कहा जा रहा है कि आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हो तो आप ऐसा करो, जो 100 मिलियन डॉलर का ब्याज बना है वो ब्याज ही दे दो। वैसे रूस के लिए 100 मिलियन डॉलर का ब्याज कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, रूस चाहे तो जब चाहे इसे पे कर सकता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि रूस को जबरदस्ती डिफॉल्टर बनाया जा रहा है। पिछले 100 साल में रूस ने हमेशा से व्यापारिक नीतियों का पालन करते हुए अपने कर्जे को सही समय पर दिया है। कई ऐसे भी देश हैं जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश से रूस ने कर्जा लिया है। अगर रूस ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया तो पश्चिमी देशों को उनका पैसा नहीं लौटेगा, लेकिन रूस ऐसा चाहता नहीं है, क्योंकि एक बार डिफॉल्टर अगर आप घोषित हो जाते हैं तो व्यापार के बाजार में आपका मान सम्मान कम हो जाता है, आपकी साख हो जाती है। ऐसे में अब रूस के सामने समस्या ये आ गई है कि कैसे पेमेंट करे। जो फॉरेन रिजर्व है वो फॉरेन रिजर्व तो 600 बिलियन से ऊपर का है रूस का, जब चाहे तब पेमेंट हो जाए, लेकिन फॉरेन रिजर्व को सीज करके रखा हुआ है अमेरिका ने, डॉलर पे पेमेंट कर नहीं सकता है रूस। अब ऐसे में हालात ऐसे बन रहे हैं कि जबरदस्ती रूस के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि रूस दिवालिया घोषित होगा। अब समस्या ये है कि क्या रूस की मदद कोई बाहरी देश करेंगे, चीन या फिर भारत? अगर बाहरी देश इस मामले में कोई मदद करते हैं तो ये सीधी सीधी बात होगी, इसलिए उम्मीद कम ही है कि चीन या भारत इसमें मदद करेंगे। तेल की खरीद कर लेना एक अलग बात है या फिर मेडिकल मदद पहुंचा देना एक अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे इसकी पेमेंट करना ये बिल्कुल पश्चिमी देशों से पंगे लेने वाली बात हो। खैर, देखना होगा कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दरअसल चीन के एक दावे ने पूरा हैरान कर दिया है दुनिया। चीन काफी समय से एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा था, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बनने में काफी वक्त लग रहा था। ऊपर से लॉकडाउन की स्थिति जब आ गई चीन के अंदर, तब ये कहा जाने लगा कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो बना रहा है फुजियान, वो जल्दी चीनी नौसेना में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब इसे चीनी नौसेना में शामिल कर दिया गया है। अब जल्दबाजी में इसे शामिल किया गया है। शामिल करने का बड़ा कारण है कि हिंद महासागर में चीन अपने आप को ताकतवर दिखलाना चाहता है। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त सबसे ज्यादा
एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर अगर किसी के पास हैं तो वो है अमेरिका के पास, जहां चीन के पास 2 हैं, अमेरिका के पास 11 हैं, इटली के पास 2 हैं, ब्रिटेन के पास 2 हैं, भारत के पास 1 है, फ्रांस के पास 1 है, रूस के पास 1 है, स्पेन के पास 1 है और थाईलैंड के पास 1 है। अब चीन ने अपना ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना को सौंप दिया और ये कहा, बड़ा धूमधाम से इसको लॉन्च किया है। उसके बाद इन्होंने ये दावा कर दिया कि फुजियान में लगा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, और ये दावा जैसे ही किया है वैसे ही ये शक के घेरे में आ गए हैं। दरअसल बात क्या है ये चीज जिसके बारे में इतना ज्यादा बातचीत हो रही है, तो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर प्लेन को लॉन्च करने के लिए एक खास तरह के सिस्टम की जरूरत होती है। आप जब देखेंगे नॉर्मल जमीन पर रनवे में कोई एयरक्राफ्ट भागता है तो काफी दूर तक भागता है, उसके बाद वो टेक ऑफ होता है, और वही होता है लैंडिंग के दौरान भी। जब प्लेन लैंड करता है तो काफी दूर तक, यानी काफी स्पेस चाहिए, काफी जगह चाहिए जहां तक वो दौड़ पाए, उसके बाद रनवे को छोड़े या रनवे पर स्थिर हो, यानी लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत होती है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर जब बनाया जाता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर में इतनी बड़ी जमीन देने की सुविधा नहीं होती है। इसका जो रनवे होता है वो रनवे होता है छोटा, और इस छोटे रनवे के तहत ही यहाँ से एयरक्राफ्ट को उड़ान भरना पड़ता है या फिर लैंड करना पड़ता है। तो आखिर कैसे ये हैंडल करेंगे खुद को? इसको हैंडल करने के लिए एक खास तरह के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्लेन की लैंडिंग और लॉन्च दोनों को हैंडल करता है, जिसे कहा जाता है केटोबार सिस्टम। केटोबार सिस्टम में क्या होता है कि ये सिस्टम उस हिसाब से काम करता है कि उतने बड़े जमीन की जरूरत, रनवे की जरूरत ना हो किसी एयरक्राफ्ट को, फाइटर प्लेन को लॉन्च और रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब ये सिस्टम भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है पहला जो स्टीम कैटापल्ट है, तो ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जिसे कहा जाता है ईमेल। अब जब ईमेल्स का यूज किया जाता है तो इससे हैवी फाइटर प्लेन को भी लॉन्च किया जा सकता है और लाइट फाइटर प्लेन को भी लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसके रख रखाव में काफी कम जरूरत होती है, काफी कम खर्चा होता है, और ये बहुत बड़ा मदद करता है जिससे 12 डिग्री के एलिवेशन पर भी विमान को टेक ऑफ करने के लिए लंबा रनवे नहीं चाहिए होता है। चीन का कहना है कि उसने इस सिस्टम का इंप्लीमेंट कर दिया है और 2030 तक 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। लेकिन समस्या ये है कि जिस सिस्टम की बात कर रहा है चीन, इस सिस्टम को अमेरिका भी आज तक नहीं बना पाया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सच बोल रहा है या फिर ये भी चीन का खोखला दावा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।